और सिलेक्शन होने का हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुबह सुबह की राम राम जी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की एक और नई वीडियो में और उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, कल दक्ष का जो पेपर था वो करवा के लेके आए थे और उसके बाद में इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी कि बस आते ही एक दो काम जो भाई ज़रूरी थे वो निपटाए और उसके बाद में बस मैं तो लेट गई थी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे आना जाना एक ही दिन में तो भी बहुत ज़्यादा थकान हो जावे है। तो सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी 3:30 बजे के करीब। अगले दिन है ये, जिस दिन पेपर दिलवा का है उससे अगले दिन की सुबह। तो भी सुबह के टाइम पर ही दक्ष का जो रिजल्ट था वो आने वाला था, तो इसलिए मैं 3:30 बजे के करीब उठकर बार बार मैं चेक कर रही थी कि आया या नहीं आया। रिजल्ट के हिसाब से ही आगे की तैयारी करनी है। अगर उसका आ गया होगा तो भाई हमें फिर आज फिर जाना है, अगर नहीं आया है तो फिर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो वो चेक करने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं था। फिर उनकी साइट पर जाके ढूंढना पड़ा, तब जाके पता लगा कि दक्ष का हो चुका है और आज सुबह फिर हमें जाना है, 9 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँच जाना है। तो यहाँ पे मैं सुबह फिर रिजल्ट देखने के बाद ये क्लियर हो चुका था कि भी जाना है, तो फिर मैं जो अपने काम है फटाफट वो करने लगी थी। पराठे सेक लेती हूँ भी लेके जाने के लिए, नाश्ता तो भी कर ही लेंगे और फिर जो मैच है वहाँ पे खाना खा लेंगे, लंच तो वहीं पे हो जाएगा हमारा। तो नाश्ते के लिए पराठे सेक रही हूँ, मेरे भाई और वो भी भाभी भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसी साइड जाना है, चंडीगढ़ जाते हैं वो, तो वो हमें लेते हुए जाएंगे। उसके पास भी मैसेज कर दिया था सुबह सुबह जल्दी ही, तो भी जब तक वो आते हैं मैं और दक्ष अच्छे से रेडी हो गए थे। हमने जल्दी से दक्ष को भी उठा दिया और फिर वो आने के बाद हम निकल पड़े। कबूतर में छोटी छोटी चिड़िया है, सारिया के अपने अपने घर है, एक चिड़िया रहा है हमारे। और ये इतनी लड़ाई मचाया करे, ये कुछ 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 बजाने पड़े हैं, ये दाने डाल रखे ना। देखो खाता बैठ रहे हैं और अपने घोंसले बनाने लग रही है, ले जा कर। पहले है ना बधेरा भर रहा है डंगा और खलंडा होगी फ्लैट में, देखियो कुर बैठी है फर्नीचर लगा मम्मी है। सोफे बेड गाल डाली लगा दी और ये जय जय की होगी भाई तबीयत खराब ना। और ये दक्ष खाओ पराठे, जय के खाओगा, ले बस ही पेट का दर्द हो गया ठीक। जी हमें तो एक पराठा दे दे चाहिए दक्ष, दक्ष भैया दो दे दे, ये दे दिए इस्तिया दक्षतिया वो दो ले आया था बात कर लेगा भाई नू आते दिन इस पर दरक है। अपना चार्जर साथ लेके चल रहे बेचारे ने थोड़ी देर ना कीपैड वाला दे, कीपैड वाला वो छोटा नोकिया का दे देंगे, अगर किसी ने जरूरत है तो राखत है ना तो लैंडलाइन ते बात करो, फोन अलाउड कौन है कितने भी बाहर का सिस्टम। पेड़ा मैंने चमक गया और
और ये साइड में 11th और ये यहाँ पर 9th की काउंसलिंग अब बस स्टार्ट हो रही है। चाय और ले का भाई कौन से अच्छा वो तो होगा ना कोटा तो भी वे आ रही है कोटा तो भी वे आ रही जो आगे की तैयारी करवाऊंगी आइन की ऐप है वो उस से पता तो खुला था आज ही मैंने रजिस्टर वो देखा था करियर वाले चलता नहीं मैं इसका खाना खुआ के लेकर आऊंगी देख तो ले हैं मन खाना भाई मन कल भी बहुत अच्छा लग गया था तू अपना बाहर खा लिए तने जित खाना है ना ये झूले छोटे छोटे बच्चे के ये स्विमिंग पूल छोटे बच्चे का ये वाला ये वो है बास्केट का है पानी निकाल रखे हुए पर इन्हें झूले हैं और ये सारे वे हैं हॉस्टल साइड में भी देखिए इसके कितने अच्छे फूल हैं उन्हें मैं इसमें चुप चुप्पल जूते निकाल के बाहर देख और नीचे बैठ कर खाऊंगे सारे तो अभी हमारा काम हो चुका था 1:30 बजे का टाइम हो रखा था और जो काउंसलिंग थी वो दक्ष की हो चुकी थी क्योंकि हम जल्दी आ गए थे 9:30 बजे तक 9:30 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और उसके बाद में जो फॉर्म था वो सबमिट करवा दिया और यहाँ पे फिर दक्ष की काउंसलिंग हो गई फिर हम बस खाना पीना करके और निकल पड़े थे पहले भाई रिक्शा में बैठे उसके बाद में हमने ली बस अड्डे से बस और फिर 3 घंटे के बाद माँ बेटा पहुँचे अपने नेक्स्ट स्टॉपेज पर भाई 2-3 चीज़ें तो बदलनी पड़ी पहले ई रिक्शा ली फिर उसके बाद बस ली फिर दोबारा से फिर ई रिक्शा ली और फिर तीसरी बार फिर ई रिक्शा ली तो ई रिक्शा में तो भाई सफ़र ऐसा है कि इंसान ने स्पीड तक चल पड़े ई रिक्शा में तो आवाज़ इतनी आवा है और उसकी स्पीड जो चाल है वो बड़ी स्लोली स्लोली है तो भी वो भी मज़ा लेते हुए बस का भी रिक्शा का भी मज़ा लेते हुए हम पहुँच चुके थे अब बस घर और घर पर आते ही इशिका को यहीं पे छोड़ के गए थे आज लेके नहीं गए तो वो हमारा वेट कर रही थी बस अब गांव के करीब हम पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने ही वाले हैं तो भी दक्ष का स्वागत करते हैं घर पहुंचने के बाद क्योंकि भाई ज़िंदगी में ये छोटी छोटी खुशियां ही मायने रखती अगर हम बड़ी खुशी के वेट में छोटी खुशियों को ऐसे इग्नोर कर देंगे तो बड़ी खुशी का भी कुछ मज़ा नहीं होगा और जो छोटी छोटी ये खुशी के पल है इनको फुल इंजॉय करना चाहिए तो अब होता है दक्ष का स्वागत और सिलेक्शन होने की खुशी में सिलेक्शन होकर आया भाई दक्ष का कुरुक्षेत्र गुरुकुल स्कूल में और उसकी बहन कर रही है उसका स्वागत और ये देखो भाई दोनों बहन भाई Yeah!